नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अपनी बेटी को नहीं सहेगा हिंदुस्तान, फांसी दे दो सारों को, फांसी दे दो सारों को, बैंक के कत्तारों को, फांसी दे दो सारों को, अपनी बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अपनी बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अपनी बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस को टर्मिनेट कर दो, बिल्कुल सस्पेंड नहीं, बिल्कुल जी जी साहब, ये तीन हमारी कांग्रेस ठीक है कि आपकी अपने महामहिम राज्यपाल के नाम लिखी है तो आज ही आपकी पहुंचा और सर इलाके में बहुत भारी। आज सभी युवा एकत्रित हुए हैं, एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है कि जो दरिंदे थे जिन्होंने अमानवीयता हरकत की है, तो सभी युवा एकत्रित हुए हैं कि उन बुरे युवाओं को, हालांकि वो युवा नहीं है, इसलिए सभी युवा जो अच्छे एरिया के युवा हैं वो इकट्ठे हुए हैं, एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है ताकि उन्हें जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट से उनको सजा दी जाए, इसलिए सभी युवा इकट्ठे हुए हैं और एक सम्मानित पद दिया जाए ताकि वो भी सम्मान से जी सके। जो ये सब इंस्पेक्टर हीरामणि थी जिन्होंने उनके साथ उनका बयान दर्ज नहीं करवाया था, उनको सीधा टर्मिनेट किया जाए, ना कि अभी सस्पेंड किया है उसको सीधा, ताकि और भी महिलाएं जिनके साथ ये दुर्व्यवहार होता है वो भी आगे आएं अपनी बात रखने के लिए पुलिस थाने में। तो हमारे क्षेत्र के अंदर एक तो पर छात्रा हमारी बहन बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। दूसरा, अभी तक गिरफ्तारी इनके अंदर तीन ही हुई है, दो बाकी दरिंदे अभी बचे हुए हैं और मैं बार एसोसिएशन कोसली का प्रधान होने के नाते मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और सारे प्रशासन से विनती करता हूँ कि जल्दी जल्दी उन दो बाकी दरिंदों को पकड़ा जाए, जो भी इस घिनौने अपराध के अंदर शामिल हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले और हम माननीय उच्च न्यायालय को पत्र लिखेंगे और हमने बार में भी एक रेजोल्यूशन किया, रेवाड़ी भी किया है और पड़ोसी साथी जो हमारे बार के हैं प्रधान उनसे भी हमने विनती की है कि उनका कोई केस ना लड़े।